दोस्तों दिल्ली में परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कोई भी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। काफी सारी अलग अलग वैकेंसी हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होगा और पूरे देश, चाहे आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/7/2022 है। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उन्हें ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैं फिर से बता देता हूं, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है जो कि दिल्ली में आई हुई है। रिक्रूटमेंट आ रही है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों। हां जी दोस्तों, DDA की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिक्रूटमेंट का। दिल्ली विकास प्राधिकरण की यहां बात हो रही है। ऑफिशियल वेबसाइट है DDA.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जरा सा नीचे आएंगे तो एक जॉब्स लिखा दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022, यहां सीरियल नंबर 1 पे देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन वेरियस कैटेगरीज। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2022 है। इनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 11/6/2022 प्रातः 10 बजे से शुरू होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि 10/7/2022 शाम 6 बजे तक है। और इनका जो ऑनलाइन एग्जाम है उसकी टेंटेटिव शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों, 1/9/2022 से और 30/9/2022 के बीच में इनका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। 11 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। आज 7 तारीख है, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन हो सकता है आप ये वीडियो देखें तब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जितनी जानकारी दी गई है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने के बाद उसके माध्यम से बाकी की जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। दिल्ली में रिक्रूटमेंट आई हुई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। सबसे पहला जो पद है वो असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप का है, ग्रुप ए की पोस्ट है और पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, लेवल 10 है, टोटल वैकेंसी 1 है। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप बी की वैकेंसी लेवल 6, 220 पदों के लिए बड़ी भर्ती आ गई है सिविल इंजीनियर की DDA में, बड़ी अच्छी बात है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, हां जी दोस्तों, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 35 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। प्रोग्रामर के 2 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर लैंग्वेज के 6 पदों के लिए और प्लानिंग असिस्टेंट के 15 पदों के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। 279 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन DDA की तरफ से जारी कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, 11/6/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जॉब्स का सेक्शन है, उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 लिखा आपको दिखाई देगा, वहां क्लिक करके आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन और वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने का। ऑफिशियल वेबसाइट फिर से देखिए, DDA.gov.in। दोस्तों जहां तक मैं मानता हूं, प्रोग्रामर, जूनियर ट्रांसलेटर और प्लानिंग असिस्टेंट, इनके लिए ग्रेजुएट आवेदन कर पाएंगे और जूनियर इंजीनियर, जेई सिविल, जेई इलेक्ट्रिकल और जेई मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट भी आवेदन कर पाएंगे। बाकी देखते हैं, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी होने दे, उसके बाद सारी जानकारी आपको बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड करा देंगे। एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, नहीं मांगा गया है और कौन कौन कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकता है, एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या इनके लिए निर्धारित की गई है, एज लिमिट क्या होगी पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो ठीक है दोस्तों, अभी जितनी जानकारी अवेलेबल थी वो आपको प्रोवाइड करा दी गई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।